अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सागर अली सिद्दीकी मैं वापसी आई एक छोटी सी नई मजेदार सी वीडियो लेके। और 2 महीने बाद वीडियो बना रहा हूँ यार, सलाम तो लिख दो, कमेंट्स नहीं लिख दो, लाइक तो कर नहीं रहे, सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो भाई लाइक और सब्सक्राइब को छोड़ो, अब हम आते हैं मुद्दे की बात में। मुद्दे की बात ये कि आपको बताइए, टिकटॉक यूट्यूब इधर नए नए कीड़े मकोड़े चूतिया टाइप के लोग पैदा होते रहते हैं, शाहिद अनवर जैसे, वो भी आजकल क्या कर रहे हैं जरा ये देखें। देखा आपने, कुत्ते बिल्ली बनने में मसरूफ है। खैर इनको छोड़ें, अब YouTube और TikTok पे आते हैं तो इनमें नए नए टाइप के कीड़े मकोड़े गाण मस्ती करने वाले चुतियापे के लोग पाए जाते हैं, जिनकी नई नई बेगैरती होती है। एक ये बेगैरती देखें, अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रन। देखिए आपने ये बेगैरती। उसके बाद भाई ये तो बहनचोद, जब से YouTube बनी है ये औरत मुझे दिख रही है और हमेशा अपनी गांड ही लाती हुई दिखी है किसी न किसी बहाने। खैर आप इसको छोड़ें, आगे बढ़े। मैं यार ये वीडियो देख रहा था, ये बंदा बहनचोद इस गांडूगिरी की वीडियो पे इतने मतलब मिलियंस में व्यूअर्स ले गया। यार इसको चूतिया बोलूं, देखने वालों को चूतिया बोलूं, बहनचोद चूतिया किसे बोलूं? या बहनचोद हम चूतिया हैं, हम चूतिया हैं बहनचोद। करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। खैर इन सबको छोड़ो, आज यार मैं जिनके बारे में बात करने वाला हूँ, मैंने ये अपना चैनल जिनके ऊपर बनाया था, जिनको देख के बनाया था, सॉरी डकी भाई और कैरी मिनाटी, इनको देख के मैंने ये रोस्टिंग अपनी शुरू करी थी। और मुझे डकी भाई और कैरी मिनाटी बड़े दिल से अच्छे लगते थे और मेरी दिली ख्वाहिश थी इन लोगों से मिलने की। मैं पंजाब साइड बहुत घूमा और बाय रोड मैंने अपनी गाड़ी में ट्रेवल किया, तो मुझे ये बाकी नानी वाला और ये सब मतलब हुआ ऐसा कि कहीं ना कहीं, पर कभी दिल में नहीं आया, अरे लैंड पे ठंड जाने तो क्या किसी से मिलना चाहिए। पर डकी भाई से मेरी मिलने की दिली ख्वाहिश थी, तो पर डकी भाई की ये हरकत देख के हैं जो ख्वाहिश ही मर गई। पहले मैं सोचता था ये मास अफदर दुनिया का वो गांडूगिरी का वगैरह आदमी है कि जिसको अपनी बीवी को दिखा दिखा के उसने पैसे कमा लिए, और बीवी दिखा के कमाने वाले के पीछे यार इतनी अवाम होती है बहनचोद। बात तो सही है। यार ये बस ये काम हमारे बस का तो नहीं है भाई, पर ये तो कर ही रहा था। इसके साथ साथ डकी भाई ने भी बीवियां दिखानी शुरू कर दी। खैर कर तो दी, अब क्या क्या बोल सकते हैं भाई। डकी भाई ने दिखानी शुरू कर दी, उसके बाद अरूप का ये चक्कर हो गया। मेरी वाइफ की किसी ने डीप फेक AI जनरेटेड वीडियो बना के उसको वायरल किया, उसकी इज्जत के साथ अरूप के चक्कर के बाद हम क्या बोले। अरूप मैं एक बात बोलूँ ना, किसी समझदार आदमी को अगर आप ये वीडियो दिखाएं कि यार ये अरूप की वीडियो है डकी की बीवी की, तो वो माने गई थी। अगर मेरे पास कोई आता और बोलता कि सनी भाई मैं अपनी माँ की कसम खा के कह रहा हूँ कि ये अरूप की वीडियो, मैंने तब भी यकीन नहीं करना था। मैंने अरे जा बैठ चू, अगर ये हो ही नहीं सकती। पर बात ये समझदार आदमी चूतिया नहीं। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के। और अगर इस वजह से किया, अगर डकी भाई ने सिर्फ अपने व्यूवर्स बढ़ाने के लिए और अपने चैनल पे कोई नया सोचा कुछ नया लेके आऊं, तो नए लाने के चक्कर में इन्होंने ये वीडियो बनाई है, तो यार बड़ी बेगलती की बात है। बात तो सही है। खैर इसी मुद्दे को हम आगे लेके चलते हैं। डकी भाई ने ये कर दिया और इनको चूतिया होने का यूट्यूब ने अवार्ड दे दिया। यूट्यूब ने मुझे ऑफिशियली कह दिया कि आप नंबर 1 क्रिएटर हो हमारे 2023 के, कि ये दुनिया के पाकिस्तान के या दुनिया के बैंड जो सबसे बड़े यूट्यूबर चूतिया हैं। अरे कहना क्या चाहते हो। खैर इसके बाद हम आते हैं दूसरे मुद्दे पे, जिसने ये वीडियो बनाई। तो भाई जिसने ये वीडियो बनाई है, जिसकी घर की अपनी माँ बहनें इस तरीके की होती ना, वो सोचते हैं कि बहनचोद मेरी माँ बहनें ऐसी क्यों है, सबकी क्यों नहीं है, वो सबकी माँ बहनों को ऐसी समझते हैं। ये वीडियो बहनचोद उसने बना के डाल दी, क्या पता ये वीडियो जिसकी है वो उसकी बहन हो, उसने क्या वो एडिट वेडिट किया, ये लड़का देखे। फाइनली वो वीडियो मिल चुकी है जिसकी वजह से पूरे इंटरनेट पे पाकिस्तान में शोर डाला हुआ है। ये है वो ओरिजिनल वीडियो और ये है वो AI से। ये मुझे बता रहा था, पता नहीं चूतिया सही बता रहे गलत बता रहे, इस वीडियो में कैसे हट जाएगी, पर क्या पता ये जो इस लड़की की वीडियो, इसके पीछे जिसने वीडियो बनाई है उसकी बहन तो नहीं है कि उसकी बहन की जगह इसकी डकी की बीवी आ गई। तो खैर यार इस सारे मामले के बाद, मैं डकी भाई का बहुत बड़ा फैन था और उनसे मिलने की बड़ी ख्वाहिश रखता था, मैंने कभी नहीं सोचा था उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। पर इसके बाद यार अब यही बचा है सिर्फ मैं बहनचोद क्या बोलू यार, कुछ बोल भी नहीं सकता। पर ये की चीज है, ऐसे बहनचोद आदमी दोनों टांगे ऊपर करे और घर की छत से उल्टे होकर गिर जाए सर के बल के, क्या पता बहनचोद आप मर जाए। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो अभी मर जाए, जान छूट जाए इन चूतिया यूट्यूबर टिकटॉकरों से। हम क्या बोल सकते हैं, ये गांडूगिरी की चूतियापों की हरकतों से यार हम लोगों के पेड़ भर गए। अब कुछ नया लेके आओ, ऐसा लेके आओ कि तुम लोगों को देखने का दिल चाहे बहनचोद। बाकी डकी भाई की बात रही यार, मैंने डकी भाई आप दिल से उतर गए, मां चूत गई आपकी इज्जत की हमारी नजरों में। हम आपको बड़ी दिल से मैं पसंद करता था कि डकी भाई कभी मिले, कुछ नहीं उनसे हाथ मिलाऊंगा, पर अब तो सोचता हूँ हाथ मिलाऊंगा बहनचोद गंदा हो जाएगा आपसे हाथ मिलाने से, आपकी ये नीच हरकत देख के। तो भाई बड़ी बुरी बात है। बाकी यार ये मजाक मस्ती शुगल मेले तो चलते रहेंगे, ये सब अपनी जगह, अब इंशाल्लाह लाऊंगा। अब मैं मां सफदर तो बन नहीं सकता कि बीवी या बहनों को दिखा के अपने आप को पैसे कमाने की तरफ आऊं और फिर बोलूं कि दुनिया में किसी ना किसी को कुछ ना कुछ करने का मौका मिलना चाहिए। चले तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए मजेदार, तो उसके साथ खुदा हाफिज़।